तो दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज तिजारा की, ये तिजारा की भूमि जिस प्रकार से राजस्थान को, ये राजस्थान के इस अलवर जिले को सिंध द्वार कहा जाता है और हमारे इस अलवर को के अंदर ये तिजारा सिंध द्वार है। आज राजस्थान के इस विधानसभा चुनाव के आगाज में और विधानसभा चुनाव की जीत यहां तिजारा से पूरे राजस्थान, जैसलमेर, जालौर, माउंट आबू, हर स्थान पर इस जीत का आगाज करने पहुंचे हमारे बीच में हम सब के हृदय सम्राट, हमारे नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। ये रोड के उस पार वाले भी ताली बजाएं भाई, सब लोग ताली बजाकर अभिनंदन करें। हमारी बहुत ही सौभाग्यशाली ये भूमि है कि आज हम सब के सदस्य योगी आदित्यनाथ जी का आज इस तिजारा विधानसभा के राजस्थान के पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज करवाने, नामांकन भरवाने, आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ है। आज ये हर दृष्टि से पहले नंबर पर हमारा तिजारा विधानसभा है, पहली तारीख है, पहला नामांकन है और पहला योगी जी का आगमन है। ऐसा खुशी का माहौल और राजस्थान में इस तिजारा विधानसभा से ये भारतीय जनता पार्टी का जीत का झंडा पूरे राजस्थान में लहराएगा और राजस्थान में हर धामी हर घर में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाएगा। बंधुओं, ये कांग्रेस सरकार, इस कांग्रेस सरकार के बारे में बात करने से हमारा मुंह खराब हो जाता है। इस प्रकार का 5 वर्ष का इसका शासनकाल रहा। आप सबको ध्यान में है, ये झूठी सरकार, किसानों से झूठ बोलकर बनी सरकार, क्या राजस्थान की जनता ऐसी झूठी सरकार पे विश्वास करेगी? क्या राजस्थान की जनता लून मिर्च तेल में बिकेगी? ये झूठी सरकार जिसने युवाओं के साथ में बेरोजगारी के नाम पर उनको लालच दिया और लालच को दूर, पूरा करने की बात को दूर, बेरोजगारों का पेपर बेच खाई है सरकार, युवाओं का पेपर बेच के खाई है सरकार। इस सरकार ने सारी पराकाष्ठाओं को पूरा किया है, अधर्म की जितनी पराकाष्ठाएं सबको पूरा किया है। महिला उत्पीड़न में नंबर वन राजस्थान को आज इस सरकार ने लाने का काम किया। किसानों के साथ धोखा हो, भ्रष्टाचार की बात हो, तुष्टीकरण की राजनीति तो सारी हदें पार की है। आप जानते हो किस प्रकार से इस सरकार के लोगों ने, ये जो सीएम हाउस है उसको सीएम हाउस मैं नहीं बोलता हूँ, वो तो फतवा हाउस बन चुका है राजस्थान सरकार का सीएम हाउस, वहाँ पर सनातन धर्म के खिलाफ में जिस प्रकार से फतवे जारी किए गए, हमारी धार्मिक प्रतिबंध लगाया गया, हमारे धार्मिक ध्वजों को लहराने पर रोका गया, हमारे राजगढ़ के अंदर भगवान शिव का 300 साल पुराना मंदिर जिस प्रकार से तोड़ा गया, ऐसा तो राक्षस भी नहीं करते थे, कितना धर्म इस कांग्रेस सरकार ने करने का काम किया है। बंधुओं, ये सभा बहुत ऐतिहासिक सभा है और तिजारा की भूमि से ये पूरे राजस्थान है। इस सभा के माध्यम से पूरे राजस्थान में आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल बन रहा है, उस माहौल को पूरे राजस्थान के हर आदित्यनाथ जी, योगी जी को सुनने आए हैं, आज उनके आशीर्वचन लेकर और राजस्थान की जनता के लिए सेवा
सेवा के माध्यम से राजस्थान जनता का विकास और राजस्थान में कानून का राज हो, ऐसी पाकिस्तान में हम सब कार्यकर्ता आज के दिन के माध्यम से हम निकलेंगे और पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को लेकर अपने इस राजस्थान को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ में इस राजस्थान अपनी इस कर्मभूमि को जितने काम सब लोग मिलकर काम करेंगे। आप सब लोग पधारे हैं, बड़ी संख्या में पधारे हैं, इंदर लोग सिटी से लेकर इधर टोल के आगे 10 किलोमीटर तक पूरा जाम है, पूरे अलवर आज इस प्रकार से जिदारा के अंदर उमड़ा है। आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप सबने इस सभा को ऐतिहासिक स्वरूप देने का प्रदान किया और इस मंच के माध्यम से योगी जी बैठे हैं। ये हमारा संकल्प है कि हम आपकी सेवा आए हैं, पूरी जान जी जान से आपकी सेवा करेंगे और आपके चेहरे पर वो खुशी लाते हुए अपने राजस्थान को विकास के पथ पर नंबर वन बनाने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से हमारा इदारा है, इस इदारा को सितारा बनाकर पूरे राजस्थान में चमकाने का मिलकर काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन।